विरोध की आग में जलता बुलंदशहर। पुलिस और उपद्रवी आमने सामने। पुलिस पर उपद्रवियों ने फेंके पत्थर। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी फूंक डाली। क्या इसे कहेंगे प्रदर्शन? क्या ऐसे उठाई जाती है हक की आवाज? ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर गुंडागर्दी? फर्क करना मुश्किल है। नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध की आड़ में कैसी मनमानी चल रही है, ये आग इस बात की जीती जागती सबूत है। बुलंदशहर में दोपहर 2 बजे जुमे की नमाज के बाद ही मुस्लिम समुदाय के लोग कोतवाली सिटी थाने के सामने इकट्ठा हो गए। वहां ये लोग प्रदर्शन करने लगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती रही। इस बीच पुलिस से भीड़ की भिड़ंत हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया था। भीड़ को देखते हुए पुलिस की फोर्स कम पड़ गई। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी अलग अलग रास्तों के जरिए शहर की तरफ जाने वाले थे। इन लोगों की योजना कालाम चौराहे पर जाने की थी। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये हिंसा पर उतर आए। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। काफी देर तक पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प चलती रही। इसी दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस की गाड़ी धू धू कर जलने लगी। इस दौरान फायरिंग की भी आवाज आई, लेकिन पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। इस आगजनी में पुलिस की गाड़ी जलकर खाक हो गई। इसके अलावा भी प्रदर्शनकारियों ने करीब दर्जन भर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर डाली। अभी कल ही लखनऊ और संभल में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। लखनऊ में उपद्रवियों ने पुलिस चौकी में हमला करके वहां बाइक्स और कार्स में आग लगा दी थी, तो वहीं संभल में 2 बसों को फूंक डाला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को चेतावनी दी थी कि उनकी करतूतों का हिसाब उनकी संपत्ति बेचकर चुकाया जाएगा। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की चेतावनी को बुलंदशहर में प्रदर्शनकारियों ने हवा में उड़ा दिया। उपद्रवियों की पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके सर से खून भी बहने लगा। गुरुवार को बुलंदशहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला था, शांति की अपील की थी, लेकिन आज जुमे के दिन विरोध प्रदर्शन की आग में बुलंदशहर तहक उठा। मुकुल शर्मा, बुलंदशहर।